हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस हेयर फॉल सीरीज़। मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल, एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट। और हमेशा की तरह मेरे चैनल डॉक्टर शीतल आयुर्वेदा कंसल्टेंसी पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि मानसून के इस सीज़न में आप सभी खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप ही में से कई सारे व्यूअर्स के हमें व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आए कि मानसून के इस सीज़न में हेयर फॉल की समस्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए इस बारे में, इस विषय में पूरी जानकारी देने वाला एक वीडियो हम आपके लिए बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो सिर्फ आप ही की डिमांड पर और सिर्फ आप ही के द्वारा सजेस्टेड टॉपिक पर है, यानी कि हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल इन मानसून सीज़न। फ्रेंड्स, मानसून दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से हर तरफ हरियाली छाई हुई है और एक बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल हम सबको मिल गया है। और इसी मानसून को, इसी खुशनुमा माहौल को एंजॉय करने के लिए आप में से, हम में से काफ़ी सारे लोग अलग अलग पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं और इस मानसून सीज़न को एंजॉय करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मानसून सिर्फ हमें खुशनुमा माहौल ही नहीं देता, बल्कि इसके साथ साथ कई सारी बीमारियां भी हमें देता है। और उसी में से एक है कि हेयर फॉल प्रॉब्लम को भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। फ्रेंड्स, वैसे तो हेयर फॉल होना ये एक बालों की रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, लेकिन हेयर वॉश करते वक्त अगर आपके 8 से 10 बाल गिर जाए तो एक सामान्य लक्षण है, सामान्य बाब है। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा मात्रा में आपके हेयर फॉल होने लगे तो हम इसे हेयर फॉल कहते हैं। और मानसून के सीज़न में सिर्फ हेयर वॉश करते समय ही नहीं, बल्कि हर वक्त, रोज़ाना आपको अपने शोल्डर्स पर, नीचे ज़मीन पर और अपने हेयर ब्रश, हेयर कॉम में, हर तरफ आपको अपने बाल गिरते हुए दिखाई देते हैं, उस वक्त हम इसे कहते हैं मानसून हेयर फॉल। तो ये मानसून हेयर फॉल जब स्टार्ट होता है या ये मानसून सीज़न स्टार्ट होता है, तो कुछ लोग हैं जिनको साल भर में, पूरे साल भर में कभी हेयर फॉल नहीं होता, ऐसे भी लोगों को हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। और जिन लोगों को हेयर फॉल पहले से ही रहता है, उन लोगों की यह समस्या मानसून स्टार्ट होते ही और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये इसके क्या रीज़न है जिसकी वजह से मानसून स्टार्ट होते ही हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। तो इसके रीज़न में सबसे पहले आता है, जैसे मानसून स्टार्ट होता है तो लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। इसके लिए काफ़ी सारे लोग घर पर ही रोज़ाना रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, और इस एक्सरसाइज के दौरान बॉडी में स्वेटिंग होती है, साथ साथ आपके स्कैल्प पर भी स्वेटिंग होती है, यानी आपके सर पर भी पसीना आता है। बॉडी पर आए हुए इस पसीने को आप तौलिए से साफ़ करते हैं, साथ में नहाते भी हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी तो पूरी तरह से अच्छे से क्लीन हो जाती है, लेकिन आप डेली हेयर वॉश नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो पसीना है ये आपके स्कैल्प पर सूख जाता है और सूख कर उस पर गंदगी की एक ऐसी लेयर तैयार हो जाती है। इस गंदगी की लेयर की वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे कारणों में, मानसून के सीज़न में बारिश का जो पानी रहता है वो एसिडिक पीएच का होता है, और ये एसिडिक पीएच वाला पानी जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, हमारे बालों के कांटेक्ट में आता है, तो एसिडिक पीएच होने की वजह से जिस तरह से हमारी स्किन ख़राब होती है, उसी तरह ये हमारे हेयर रूट को भी अफेक्ट करता है और हमारे हेयर रूट को कमज़ोर बना के बालों का गिरना स्टार्ट कर देता है। तीसरे कारणों में, मानसून के सीज़न में एटमॉस्फेयर में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ में ऑक्सीजन की लेवल भी कम हो जाती है, और इसी नमी की वजह से आपके स्कैल्प पर जो पोर्स रहते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और ये पोर्स क्लोज होने की वजह से आपके स्कैल्प की जो सेबेशियस ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में सीबम का प्रोडक्शन होता है। इसी ज़्यादा मात्रा के सीबम प्रोडक्शन की वजह से आपकी स्कैल्प ऑयली बन जाती है। स्कैल्प ऑयली बनने की वजह से, पहले ही ऑयली स्कैल्प और उस पर से एटमॉस्फेयर के कम ऑक्सीजन लेवल, इसकी वजह से, इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके स्कैल्प पर कुछ एनएरोबिक बैक्टीरियाज और फंगस ग्रो करते हैं, और ये इतना तेज़ी से ग्रो करते हैं कि जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ की समस्या होती है, जैसे आपके सर में खुजली होना, सफ़ेद पपड़ी का तैयार होना, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है।
तो ये तो हो गए रीज़न, मतलब कारण। अभी हम देखेंगे कि इसके लिए हमें मानसून सीज़न में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले फ्रेंड्स, मानसून सीज़न में आपको अपने बाल किसी भी तरह से गंदे नहीं रखने हैं, आपको अपने स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखना है। इसके लिए आपको हफ्ते में 3 या 4 बार रेगुलर हेयर वॉश लेना है। हेयर वॉश के लिए मानसून सीज़न में आप स्पेशली मानसून सीज़न में आपको सरसों का तेल अपने बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल गर्म रहता है, इसीलिए यह आपके स्कैल्प के पोर्स को ओपन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हेयर फॉल को कम करता है। इसीलिए इन दिनों में ऑयलिंग के लिए आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। साथ ही में जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या है, उन लोगों ने एलोवेरा जेल को अपने स्कैल्प पर लगा के हल्का मसाज करना है। साथ ही में जो लोग बारिश में अक्सर भीगते हैं, तो उन लोगों ने घर पर आकर बारिश में भीगने के बाद तुरंत हेयर वॉश करना है, और इसके लिए उन्होंने किसी अच्छे एलोवेरा बेस्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है, ताकि बारिश के पानी का जो एसिडिक पीएच लेवल रहता है वो आपके बालों पर बैड इफ़ेक्ट न डाले और आपके बाल नुकसान होने से बच जाए। इन दिनों में हेयर वॉश करने के लिए जैसे हमने अभी बताया, एलोवेरा बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना है, और बेबी शैम्पू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी शैम्पू बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड होते हैं, इसीलिए किसी भी अच्छी कंपनी का बेबी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी शैम्पू से ना ही सिर्फ आपका स्कैल्प क्लीन रहता है, बल्कि प्रोटेक्टेड भी रहता है, और इसका आपके बालों पर भी कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं रहता। तीसरे कारणों में जिन लोगों को अपने बालों में डैंड्रफ की समस्या है, हो गई है, या ऑयली स्कैल्प रहता हो, उन लोगों ने इन दिनों में अपने बालों पर जो एक्सेस ऑयल है उसको कम करने के लिए, डैंड्रफ की समस्या को ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जेल अपने स्कैल्प पर लगाना चाहिए, और उसे लगा के 10-15 मिनट तक धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में अपने स्कैल्प का मसाज करना चाहिए। उसके आधे घंटे के बाद आपको अपने स्कैल्प पर स्टीमिंग करना है या स्टीम लेना है। इसके लिए स्टीम लेने के लिए या तो आप तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए स्टीमिंग कैप आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह से मगर आपको अपने स्कैल्प को स्टीम देना ही देना है। स्टीम लेने से आपके स्कैल्प के जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एक्सेस ऑयल कम होता है, डैंड्रफ कम होता है, जो फंगल इन्फेक्शन और एनएरोबिक इन्फेक्शन से एनएरोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो भी खत्म हो जाता है, और हेयर फॉल की समस्या बहुत मात्रा में कम हो जाती है, या बहुत कम हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। और फ्रेंड्स, एक्सेस ऑयल, यहाँ पे हमने आपको बताया कि बारिश में भीगने वाले लोगों ने हेयर वॉश करना है एलोवेरा बेस्ड शैम्पू से। रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों ने भी डेली अपने बालों को हेयर वॉश करना है। या तो आप नहाते वक्त सादे पानी से भी अपने हेयर वॉश कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे बेबी शैम्पू से भी आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं, जो कि आपके स्कैल्प को क्लीन रखेगा, साथ ही में आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करेगा, और हेयर फॉल होने से भी आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। तो इन तीन तरीक़ों से आप इन दिनों में अपने हेयर को अच्छी तरह से क्लीन रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पहले कारण देखे, फिर प्रिकॉशंस देखे, अभी हम देखेंगे कि मानसून के दिनों में होने वाले इस ज़्यादा मात्रा के हेयर फॉल को कंट्रोल में करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए एक होममेड सीरम लेकर आए हैं। इस सीरम के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि आपका हेयर फॉल कितना कंट्रोल में आ गया, कितना कम हो गया, या कभी कभी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस होममेड सीरम को आपको हर बार फ्रेश ही बनाना है और फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। इसे बना के आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, हर बार फ्रेश बनाना और इस्तेमाल करना, और हफ्ते में कम से कम 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार आप इस होममेड सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस सीरम को बनाने की विधि कुछ इस तरह से है। इसके लिए आपको लेना है एक मीडियम साइज़ का ओनियन। ओनियन में रहता है फॉस्फोरस और सल्फर, जो कि आपके बालों को, आपके हेयर रूट को बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छा ब्लड सप्लाई करता है, आपके बालों को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए बालों की हेल्थ के लिए आपको लेना है ओनियन, फॉस्फोरस और सल्फर के सप्लाई के लिए।
इसके बाद आपको उसमें ऐड करना है आधा इंच अदरक का टुकड़ा या जिंजर, जिंजर में रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस जो कि बालों के लिए बेनिफिशियल है। फिर आपको उसमें ऐड करना है दो लहसुन की कली या गार्लिक। लहसुन में नेचुरली प्रचुर मात्रा में सल्फर रहता है, सल्फर आपके हेयर रूट को स्टिमुलेट करता है, उनको बढ़ावा देता है और बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। फिर आपको उसमें ऐड करने हैं करी लीव्स। करी लीव्स के आपको करीबन 25 या 30 पत्ते लेने हैं और फिर आपको उसमें ऐड करने हैं नीम की 25 पत्तियाँ, 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 पत्तियाँ आप उसमें नीम की डाल सकते हैं। नीम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन नेचुरल एंटीफंगल ड्रग्स है या वनौषधि है। नीम की पत्तियाँ, इसका रस आपके स्कैल्प को पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करता है, आपके फंगस को कंट्रोल करता है, आपके डैंड्रफ को कम करता है, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप आपका हेयर फॉल रुक जाता है, कंट्रोल में आता है। इसीलिए मानसून सीजन में जब भी आप ये होममेड सीरम बनाएं तो उसमें आपको नीम की पत्तियाँ ज़रूर ऐड करनी है, 25 से 30 पत्तियाँ। फिर आपको उसमें ऐड करने हैं 3 या 4 ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, इसीलिए आपको उसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करने हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लेके आपको इसको ग्राइंडर में डालना है और इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। जब आपका ये पेस्ट तैयार हो जाए तो आपको इसे किसी पतले कपड़े से या छलनी से छान लेना है ताकि नीचे बाउल में आपका सीरम कलेक्ट हो जाए। जब आपका ये सीरम कलेक्ट हो जाए तो आपको इसे अपने स्कैल्प पर कॉटन बॉल से लगाना है, लेकिन ऐसे ही नहीं लगाना, पहले या तो सरसों के तेल से आपको ऑयलिंग करनी है, डैंड्रफ वालों ने पहले एलोवेरा जेल लगाना है, उसके बाद में आपको स्टीम लेना है, स्टीमिंग करना है, स्टीमिंग के बाद आपको धीरे धीरे थोड़ा हल्का सा मसाज करना है ताकि जो भी आपने अपने स्कैल्प पर लगाया हो, चाहे सरसों का तेल हो या एलोवेरा जेल हो, वो आपके पोर्स से अंदर तक आपके हेयर रूट तक पहुँचे और उन्हें अच्छे तरह से न्यूट्रिशंस दे, उनका पोषण करे। और फिर लास्ट स्टेज में या थर्ड स्टेज में आपने ये जो सीरम बनाया है इसको आपको अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है कॉटन बॉल से। सिर्फ आपको इसे अपने स्कैल्प पर ही लगाना है, पूरे बालों पर नहीं लगाना। स्कैल्प पर लगाने के बाद आप फिंगर टिप से हल्के हल्के अपने स्कैल्प की इस तरह से मसाज करें ताकि ये सीरम आपके स्कैल्प में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए। इस सीरम को लगाने के बाद आपको 1 या 1.5 घंटे के लिए इसे लगा के छोड़ देना है अपने बालों में। 1-1.5 घंटे के बाद आपको अपने बाल किसी अच्छे एलोवेरा बेस्ड शैम्पू से वॉश करने हैं या फिर बेबी शैम्पू से आपको बालों को वॉश करना है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हर हफ्ते आप इस सीरम को इस्तेमाल करेंगे, कुछ ही दिनों बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपकी हेयर फॉल की समस्या कंट्रोल में आ गई या बहुत बार आपकी हेयर फॉल की समस्या पूरी तरह से बंद हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मानसून के सीजन में आपको अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं। ये होममेड सीरम का भी आपको ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर हमें बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली बार हम और आप फिर से मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में, किसी नए वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर बार हम और आप साथ हो और हर बार एक नए टॉपिक पर डिस्कशन हो। और हाँ, अगर आपको भी किसी तरह की हेयर फॉल प्रॉब्लम की समस्या हो तो आप हमसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमसे अपने प्रॉब्लम में सही सलाह पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए हेयर फॉल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।